सो हेलो अगेन, दिस इज़ वैभव शर्मा, इंटरनेट लेक्सिस एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून. करंटली परस्यूइंग माई डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून. सो पार्ट वन में हम एक सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि था मंगला वमन कारंदीकार वर्सेस प्रकाश दामोदर रनत के बारे में. ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड केस था, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार किया गया था एप्लेंट और रेस्पोंडेंट के बीच में, जहां जो एप्लेंट है उसने खुद का बिजनेस है वो हैंडओवर किया था रेस्पोंडेंट को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए. लेकिन जब एप्लेंट ने वो जो बिजनेस है वो वापस लेना चाहा, तब रेस्पोंडेंट ने ये क्लेम किया कि अकॉर्डिंग टू बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट, ये जो आपने मुझे एग्रीमेंट हमारा तो तैयार हुआ है वो बात नहीं करता बिजनेस हैंडओवर करने की, वो बात करता है जो जगह है, जो शॉप है उसको लीज़ पे देने की, उसे लाइसेंस पे देने की. तो जो एप्लेंट है वो पुणे सिविल कोर्ट में चले गए थे. वहाँ जाके उनके जो सिविल कोर्ट का जो फैसला आया वो एप्लेंट के पक्ष में आया. फिर रेस्पोंडेंट जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे, और हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया वो रेस्पोंडेंट के पक्ष में आया. हाई कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 95, जो पुणे सिविल कोर्ट ने कहा था उसे जो है हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया पूरा ही. फिर जो है एप्लेंट सुप्रीम कोर्ट गए. अब हम जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इट वॉज क्लियर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट दैट द पार्टीज आर इंटेंडेंट टू ट्रांसफर बिजनेस फ्रॉम एपलेंट टू रेस्पोंडेंट फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ टाइम. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे साफ साबित होता है कि ये जो केस है, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो बात की गई है वो बिजनेस हैंड ओवर करने की ही बात कही गई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटेंशन देखा है, लेकिन और एग्रीमेंट ना ही लीज़ की बात करता है ना ही लाइसेंस पे देने की बात करता है जो शॉप है उसको. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसके बारे में. हाउएवर, इसमें जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने बात करी कि ऐसा नहीं हो सकता, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आप सिर्फ लैंग्वेज देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा, लेकिन आपको इसमें एक्सट्रिंसिक एविडेंस देखने चाहिए. तो यहाँ वर्ड आया है एक एक्सट्रिंसिक एविडेंस का. उसका मतलब ये होता है कि रेस्पोंडेंट है, उन्होंने कहा कि जो मुझे जो रेंट की रिसिप्ट दी गई है उस पर रेंट लिखा हुआ है कि ये जो रेंट पे दी जा रही है, ये जो भी है जो रिसिप्ट थी, जो पेमेंट रिसिप्ट थी, उस पर रेंट वर्ड का उपयोग किया गया है. तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बिजनेस हैंडओवर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शॉप को रेंट पे देने की, लीज पे देने की, लाइसेंस पे देने की बात हो रही है. सो कंसिडरेशन ऑफ ऑल एक्सटेंसिक एविडेंसेज द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रेड एज ए लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट, ये रेस्पोंडेंट ने कहा. उसने कुछ रिसिप्ट की पेमेंट की दिखाई वो जो कि रेंट शो कर रहा था. सेक्शन 95 की यहाँ बात हुई, रेस्पोंडेंट ने कहा. सेक्शन 95 भी ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट को जो इंटरप्रेट करना चाहिए एक्सटर्नल एविडेंस के को मद्देनजर रखते हुए, कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको एक्सटर्नल एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी ज़रूरत लेनी चाहिए, रेस्पोंडेंट ने ये कहा. तो यहाँ बार बार एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 95 आ रहा है. तो हम पहले जान लेते हैं कि आखिर 95 सेक्शन कहता क्या है. सो जो सेक्शन 95 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि अनक्लियर है, थोड़ा सा अनमीनिंग साउंड कर रहा है, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं किसी और एविडेंस को, इसमें रेफरेंस ले सकते हैं किसी और भी एविडेंस का, अगर उसमें एक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उस एक पर्टिकुलर एविडेंस से जो कि अनमीनिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ए और ए ने बी को एक घर बेचा. एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि ए ने बी को घर बेचा, जो कि कोलकाता में एक घर है, ऐसा एक डीड बनाया. लेकिन ये देखा गया कि ए के पास तो कोई घर ही नहीं है कोलकाता में, लेकिन जो डीड है
बी के पास, उसमें देखा गया कि हावड़ा के अंदर एक हाउस है जिसका पोसेशन बी के पास है। तो यहाँ एक एक्सटर्नल एविडेंस से ये साबित हो गया कि हाँ, एक हाउस की डीड दोनों के बीच, ए और बी के बीच साइन हुई है। हालांकि वो कोलकाता में नहीं है हाउस, लेकिन हावड़ा में है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रेस्पोंडेंट है, जिनकी एक्सटेंसिक जो एक्सटेंसिक एविडेंस की बात कर रहे हैं, दैट इट कैन बी ओनली वैन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एक्सटेंसिक जो एविडेंस है वो तभी हम यूज़ में ले सकते हैं, तभी उन्हें देख सकते हैं, जब जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से हैं, वो अगर स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हो, स्पष्ट ना हो, अगर उसमें कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस केस में हम एक्सटर्नल या फिर किसी ओरल एविडेंस का, ओरल स्टेटमेंट का हम मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई है वो एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, तो ऐसे केस में अंदर हम नहीं लेंगे एक्सटेंसिक एविडेंस को यूज़ में। मतलब अगर कोई डाउट है, कोई कोई डाउट आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही, ऐसे केस में हम फिर भी एक्सटेंसिक एविडेंस की मदद ले सकते हैं। बट वेन द डॉक्यूमेंट इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसे केस के अंदर हम एक्सटेंसिव एविडेंस की मदद नहीं लेंगे, किसी भी एक्सटर्नल एविडेंस की मदद नहीं लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 95 है वो अप्लाई होता है ओनली टू बिल्ड द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 92। तो मतलब सेक्शन 92 अगर कह रहा है कि सेक्शन 95 लगाओ, तभी सेक्शन 95 लग सकता है, वरना सेक्शन 95 नहीं लग सकता। हम देखते हैं सेक्शन 92 आखिर क्या कहता है। तो सेक्शन 92 कहता है एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, जो कि ओरल एग्रीमेंट है उसका वो यूज़ में नहीं लेना चाहिए, जब तक हमारे पास प्योर सबूत हैं, प्योर एविडेंस हैं, कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, तब तक हमें ओरल एविडेंस का साथ नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेक्शन 91 के ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अगर प्रूव हो जाता है, तो उस फर्दर हमें उसके लिए किसी भी ओरल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं लेनी चाहिए। ये सेक्शन 92 बेसिकली कहता है। तो इसीलिए सेक्शन 92 और सेक्शन 95 की इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात करी और स्पष्ट किया कि आखिर वो कहते क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 95 और 92 को हमेशा साथ में देखना चाहिए, साथ में देखना चाहिए किसी भी केस से रिलेटेड, अगर वो 95 92 के अंदर बिलोंग करते हों। और एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सेक्शन 92 है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है एविडेंस को, एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट व्हेन द डॉक्यूमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसके लिए हमें ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा सेक्शन 92 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और ये केस भी। सो अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो आप लेक्स क्लिक के ऊपर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।